जैसे जैसे महानगर पालिका चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय होती नजर आ रही हैं। राजनीतिक पार्टियों द्वारा जगह जगह पार्टी कार्यालय खोले जा रहे हैं। ऐसे में बात करें, मीरा रोड के शांति पार्क में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नया कार्यालय खुला, जिसका उद्घाटन करने पहुंचे महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री जितेंद्र आव्हाड। इस अवसर पर थाने एनसीपी के अध्यक्ष आनंद परांजे, अंकुश मालूसरे और अनु पाटिल सहित कई महिला और पुरुष कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस मौके पर जितेंद्र आव्हाड ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संगठन की शर्तों के बारे में बताया। साथ ही मीरा भाईंदर में एनसीपी के निष्क्रियता पर भी उन्होंने खुद अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर तंज कसा। इस मौके पर एनसीपी के मीरा भाईंदर शहर अध्यक्ष अंकुश मालूसरे ने कहा कि एनसीपी मीरा भाईंदर में सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर काम करेगी और आने वाले चुनाव में एनसीपी को अच्छा प्रतिसाद मीरा भाईंदर की जनता से मिलेगा। देखो, हमारे पास एक्चुअली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता था, लेकिन ब्लॉक के थे वगैरह वगैरह थे। गए 7-8 महीने से एक कार्यालय का सिलसिला चालू था, लेकिन आज कार्यालय हो गया है। अभी हम सेंट्रल कार्यालय से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को वार्ड स्तर पे, बूथ स्तर पे या पेज स्तर पे लेके जाने की कोशिश करेंगे। अभी तक हम साल भर में ब्लॉक अध्यक्ष हो, प्रभाग अध्यक्ष हो या वार्ड अध्यक्ष, इनकी नियुक्ति कर चुके हैं। कुछ ऐसा पकड़ लो कि 70% नियुक्ति हो चुकी है। आगे जाके हम उसको संगठनात्मक बांधनी अच्छी तरह से करेंगे और आने वाले 3 महीने में हम सोचते हैं कि बूथ कमिटी तक पहुँच जाएंगे। नहीं, मेरा बोलना ऐसा है कि जमीनी स्तर पर काम है। मैं जमीनी नेता हूँ। मैं हवे में कोई चीज़ नहीं होता है। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा संगठन के ऊपर ज़्यादा भर है। और जो सब्जेक्ट मैं मानता हूँ कि मैं आंदोलन के रूप में नहीं गया, आंदोलन करने से संगठन बनता है, ये मत को मैं नहीं हूँ। हल्ला गुल्ला करने से संगठन होता था तो मन से तो इधर कितना पर आगे चली जाती थी। हल्ला गुल्ला करने से संगठन नहीं बनता है, संगठन बनता है जमीनी स्तर पर काम करने से, लोगों से ज्वाइन करने से, जिला से लेकर बूथ कमेटी तक करने से। जिन लोगों के पास में टीम वर्क है, जिन लोगों के पास में मास है, वही लोग संगठन बना पाते हैं और वही पार्टी उस टाइम पर उस जगह पर सत्ता पे आने के लिए काबिल होती है। गठबंधन में कभी भी शर्त नहीं रखी जाती। गठबंधन में अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रोमाइज, एक कदम आगे बढ़ना, एक कदम पीछे लेना, इन बातों पे गठबंधन होता है। गठबंधन में आप अगर कड़क भूमिका लोगे तो कभी भी गठबंधन नहीं। जब गठबंधन होगा तो तीनों पार्टियां होंगी, ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा क्या है। बड़े मुझे इस बात का दुख है कि हमारे अध्यक्ष इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते। और मैं बस बहुत स्पष्ट बोलने वाला हूँ, आज भी कोई भी आंदोलन हो, मैं मंत्री होकर भी रस्ते पे उतर के आंदोलन, अगर घर पे बैठ के आंदोलन करने की किसी की मानसिकता है, मैं हमने कोशिश तो जारी की है